एवरी वन वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो जो ये हमारी लाइफ है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और हर किसी की लाइफ हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है इसे कैसे जीना है कैसे परफेक्ट बनाना है ये सब हम पे डिपेंड करता है क्योंकि ये हमारी लाइफ है जो ये छोटी सी लाइफ हमें मिली है ना तो उसके लिए हमें भगवान को सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि ये जो हमें छोटी सी लाइफ मिली है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ढूंढें ना कि गम क्योंकि टेंशन किसके पास नहीं है हर किसी के पास हर एक पर्सन के पास खुशियों से ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई है उसी में वो परेशान हैरान हो रखे हैं हम जो हाउस होती हैं या जो हम लेडीज होती हैं हमारे पास मुसीबतें क्या कम है बहुत ज़्यादा लेकिन हर एक मोड पे हमें कुछ नया सिखा के जाती है और सीखना भी चाहिए तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप उन मुसीबतों में कैसे अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूँढ़ते हो या फिर आप उससे कैसे हैंडल करते हो तो जी हाँ आज के इस ब्लॉग में मैं ऐसी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने अपने लाइफ में इनपुट किया और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मुझे मिला है पहले जो हमेशा हैरान परेशान रहते थे टेंशन में रहा करती थी कि कैसे क्या होगा सब कुछ अब थोड़ा बहुत सब कुछ सॉल्व होने लगा है चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो जो घर के काम होते हैं सबसे पहले तो हमारे घर का काम ही होता है चाहे कोई भी काम स्टार्ट करो पहले दिमाग में घर के काम ही आते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता हो जाती है आपके घर के काम उसके बाद फिर कुछ लेकिन आप घर के काम भी कैसे करोगे जब आपका दिमाग ही शांत नहीं रहेगा जब आप अंदर से खुशी नहीं रहोगे तो घर के कामों के साथ अपनी खुशी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है तो सबसे पहले तो इन घर के कामों के चक्कर में हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए घर के काम तो होते ही रहेंगे और होते भी हैं चलते भी रहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के काम सुबह ही होते हैं शाम में नहीं होते रात में हो नहीं होते हैं बट इन कामों के चक्कर में हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए और जब भी टाइम मिले ना अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना जैसे मेरे साथ क्या है कि सुबह में सही में मुझे भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है मतलब मॉर्निंग से लेकर दो बजे दोपहर के दो बजे तक फुल्ली बिजी रहती हूँ दो बजे के बाद जाके मुझे थोड़ा बहुत आराम मिलता है रेस्ट मिलता है तो उसे मैं कैसे यूज करती हूँ पहले क्या होता था ना दो घंटा कम से कम मैं रेस्ट ले ही लेती थी बट अब क्या कर रही हूँ दो से तीन ही मैं रेस्ट लेती हूँ तीन बजे के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दिया है नई नई चीजें सीखना नया नया ज्ञान प्राप्त करना क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है ना जो आपके साथ हर पल रहने वाली है और आपको फायदा ही पहुंचाने वाली है नुकसान नहीं तो मुझे जो ये टाइम मिलता है ना दोपहर के इसे मैं यूज करती हूँ नई नई चीज़ों को सीखने में नए नए ज्ञान को अर्जित करने में और आपको तो पता है कि सीखने के लिए दुनिया भर के सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो जो भी आपको सीखना है मैंने भी अपनी लाइफ में ये छोटा सा एक ऐड किया है तो मैंने भी कुछ क्लासेज स्टार्ट किए हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से करने का मन था बट घर और बच्चों के चक्कर में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑफलाइन क्लास शायद हम ना कर सकें बट अभी ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुआ है सारे क्लासेस जो भी तो हम हाउस हाउस के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर के काम भी कर लो और ऑनलाइन क्लासेस भी कर लो ओके तो ये था फर्स्ट कि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है और सच बोलो इच्छा होनी चाहिए सीखने की क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो नैक्स्ट आगे थी मैं यहाँ थोड़े बहुत सलाद कट करने सैलेड सलाद जो बोलो आप क्योंकि जब हमें भूख लगती है ना खासकर शाम के समय तो हम कुछ भी खा लेते हैं मेरे साथ सेम यही था मुझे जब भूख लगती थी ना तो मैं कुछ भी खा लेती थी बट जब जैसे जैसे हमारी एज होती है ना हमें खाने पीने में भी बहुत कंट्रोल करना चाहिए खाना पीना आप कम मत करो खाना पीना आप जैसे खाते हो वैसे ही खाओ लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये जरूर मायने रखता है तो अभी मैंने ये इंक्लूड किया है कि जब भी मुझे भूख लगती है खाने के टाइम के अलावा तो मैं सैलेड खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ अब आदत भी हो चुकी है और अब अच्छा भी लगता है पेट भी भर जाता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए तक आप कुछ भी खाओ पियो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपका हेल्थ अच्छा रहता है बट जब एक एज के बाद खाने पीने के चक्कर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है तो आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल फिट रख रहना मेंटेन रहना किनको नहीं पसंद है तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है जब भी मुझे भूख लगती है या जब भी मुझे खाना मतलब कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करता है खाना के अलावा ही मैं नाश्ता दोपहर के, खान, के खाने रात के खाने के बाद नहीं करती हूँ उनके अलावा तो सैलड लेना मुझे ज़्यादा पसंद है और कभी भी कोई भी खाना ना जो भी आप ले रहे हो कोई भी मिल दूसरे के पसंद का कभी नहीं खाना चाहिए और ना ही दिखावे के लिए खाना चाहिए आपको जो पसंद है आप वही लीजिए बट हाँ हेल्दी होना जरूरी है ओके okay, तो इसके बाद आता है छत में टहलना जो कि एक्सरसाइज का बेस्ट पार्ट है अगर आप सुबह शाम टहल लेते हो ना तब आप हमेशा फिट और हेल्दी रहने वाले हो तो सुबह तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं ऊपर से बच्चों के स्कूल और पतिदेव के ऑफिस तो पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह आप चाहे चार बजे उठो साढ़े चार में उठो पाँच बजे उठो कि आप टहल लो थोड़ा सा क्योंकि इतने सारे काम होते हैं उन चक्करों में टहलना तो मुश्किल ही है तो शाम में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो शाम में मैं ये जरूर करती हूँ कि थोड़ी देर ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ी देर टहल लूँ और मेरे साथ कहना है कि मैं एक्सरसाइज योगा व्यायाम जो भी बोलो आप मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा मन ही उसमें नहीं लगता है ज़बरदस्ती में कोई काम नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए मैंने कई बार ट्राई किया है एक्सरसाइज करने का बट सच बोल रही हूँ पाँच से दस मिनट उसके बाद मुझे बहुत बोरिंग लगता है वैसे ये चीज़ करनी चाहिए बट मैं अपने साथ इंक्लूड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जिस चीज़ में मन ना होना वो ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं है तो जिस दिन मुझे मन करेगा कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए मुझे ध्यान देना चाहिए उस दिन मैं ज़रूर लग जाऊँगी बट अभी टहलने से ही काफ़ी मुझे फ़ायदा हो रहा है तो अभी फ़िलहाल के लिए तो टहल टहलना ही मैं अपने खुद के लिए प्रेफर करती हूँ कि हाँ शाम में जरूर एक बार छत पर आ जाती हूँ और थोड़ी देर दस बारह राउंड लगा लेती हूँ तब जाके माइंड मेरा पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है सुबह और शाम जब भी हमारे काम स्टार्ट होते हैं ना उससे पहले अपने आप को फ्रेश रखना अपने माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो शाम में ये मेरे मेडिटेशन का काम करता है जो मुझे पूरी तरीके से फ्रेश कर देता है कि अगेन अभी मुझे फिर से काम स्टार्ट करने हैं और जब आप मेंटली रिलैक्स रहते हो ना तो फिर सारे काम आपके अच्छे ही होने वाले हैं और उसके बाद जब छत में आती हूँ और यही समय मुझे मिलता है कि मैं थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरटेन भी कर लेती हूँ और वो कैसे तो इसी वक्त मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि ना कोई डिस्टरबेंस करने वाला होता है ना कोई काम होता है तो मैं थोड़ा बहुत रील्स थोड़ा बहुत शॉर्ट्स बना के अपने आप को खुश कर लेती हूँ या बोलो आप इंटरटेन कर लेती हूँ क्योंकि खुशियाँ ना आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है तो आपको ढूंढनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ उसके बाद शाम का समय हो जाता है और ये होता है बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का तो एक ये मैंने बेस्ट पार्ट अपने लाइफ में इंक्लूड किया है कि हमेशा कुछ नया सीखना चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो ज्ञान से रिलेटेड हो या फिर फूड से रिलेटेड हो खाना बनाने से रिलेटेड हो तो हमेशा आपको ना नए नए खाने बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए आए ना आए वो तो बात की बात है बट ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए तो मैंने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है कि शाम के समय सुबह में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता सुबह में आप क्या ही नया नया ट्राई करोगे क्योंकि इतने ज़्यादा भागम भाग रहती है इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है और जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो ना तो थोड़ा सा टाइम आपको लेना चाहिए कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए बहुत बार नहीं होता है कि आता तो हम है नहीं लेकिन हड़बड़ाहट में हम बना देते हैं और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है बहुत ही ख़राब तो ये जो भी काम है ना जो भी मैं कुछ नया सीख रही हूँ या नया ट्राई करती हूँ खाने से रिलेटेड तो वो मैं शाम में ही करती हूँ क्योंकि शाम में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो रिलैक्स होकर थोड़ा सा टाइम लेकर कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बना लूँ जो भी मैंने कुछ नया सीखा है और सबसे अच्छी बात कि अगर आपने कुछ नया ट्राई किया है और वो बहुत अच्छा बनता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बच्चों की खुशी मतलब आपकी खुशी और बच्चों का क्या है कि डेली अगर आप एक ही चीज़ उन्हें बना के दोगे तो वो बोर हो जाते हैं हम भी कैसे बोर हो जाते हैं डेली एक ही चीज कर करके या डेली एक चीज खा के तो बच्चों का भी वही है तो अगर आप इस तरीके से कुछ नया ट्राई करके बच्चों को बना के दो ना तो बहुत बच्चे खुश होते हैं बहुत अच्छे से इन्जॉय करके खाते हैं तो मैंने भी आज कुछ नया ट्राई किया है और वो है ब्रेड रोल आता तो बिल्कुल नहीं है बट फर्स्ट टाइम बना रही हूँ देखती हूँ कैसा बनता है आई होप अच्छा बन जाए क्योंकि जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो ना थोड़ा सा डर जरूर रहता है कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा और जब अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हो तब तो थोड़ा सा ज़्यादा ही नर्वसनेस रहता है कि पता नहीं कैसा बनेगा क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए कुछ भी बनाते हो ना तो दिल में बस यही इच्छा रहती है कि बच्चों को पसंद आ जाए बहुत मैंने मन से आज बनाया है ब्रेड रोल आई होप बच्चों को पसंद आया कलर तो बहुत अच्छा आया है और देखने में भी काफ़ी टेस्टी और यमी लग रहा है बट अभी बच्चे खाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना है क्या बना है तो जो मैंने नाश्ता बनाया था वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और जब कोई चीज़ आप बहुत मेहनत से बहुत लगन से बनाओ और वो बहुत अच्छा बने और सभी को पसंद आए तो जो संतुष्टि और शांति और खुशी मिलती है ना वो मैं बयाँ नहीं कर सकती ये आप लोगों के साथ भी होता होगा ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट है जिससे मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ वो है सुबह जल्दी उठना एक तो और उसके बाद अपने घर को व्यवस्थित करना सभी चीज़ों को उनकी जगह रखना इसमें जो मुझे खुशी मिलती है ना वो बाकी सब चीज़ों का अपेक्षा बहुत ज़्यादा हमारा रोज का सबसे पहला काम मॉर्निंग का यही रहता है कि अपने घर को व्यवस्थित करके रखना डेली का ये काम है बट ये एक ऐसा काम है जिसमें हम बोर कभी नहीं होते बल्कि हमें बहुत अच्छा लगता है अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखना ऑर्गेनाइज करके रखना इसमें हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है तो इसीलिए मैं भी रोज़ मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ चाहे बच्चों के स्कूल हों या ना हो और किचन का काम खत्म करने के बाद क्योंकि किचन का काम तो आपको जैसे भी ख़त्म करना है बच्चों के स्कूल रहते हैं तो वो तो आपको टाइम पर करना ही है बट हाँ उसके बाद अपने घर के काम में लगती हूँ और घर के काम करके खासकर घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अच्छे से सेटअप करके जो खुशी मिलती है ना उसे मैं सच में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ ये भी एक तरीके से मेरे लिए मेडिटेशन का काम करता है कि जब मैं अपने घर को साफ सुथरा देखती हूँ बहुत ज़्यादा शांति सुकून और सबसे बड़ी बात खुशी मिलती है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है छोटी छोटी चीज़ों को सजाना छोटे छुट छोटे कोनों को डेकोर करना घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं से हम अपने घर के हर हिस्से को कोशिश करते हैं कि डेकोर कर ले ये नहीं कि हमेशा हमें कुछ नई चीज़ें लेना है या नई चीज़ें घर में ऐड करना है जो है उसी से हम कोशिश करते हैं घर के हर एक कोनों को सजा के रखें और इसमें हम बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती है मन हमारा शांत रहता है और पूरे दिन घर में काम करने के लिए हम एनर्जेटिक रहते हैं उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो भी थोड़े बहुत मेरे घर में प्लांट्स हैं उनके साथ समय बिताना चाहे सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिले थोड़ा बहुत समय जरूर अच्छा लगता है बिताना इनके साथ और हरे भरे प्लांट देख के ना मन ऐसे ही खुश हो जाता है तो ये कुछ छोटे छोटे हैबिट्स हैं जिन्हें मैंने अपने लाइफ में इंक्लूड किया है और बिल्कुल उसके बाद कुछ अलग ही जीने का नज़रिया देखने को मिला है और सबसे बड़ी बात कि मैं खुश रहती हूँ वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप किसी भी काम को तभी करने सकोगे ना जब आप अंदर से खुश रहोगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं करने सकोगे चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो तो अपने आप को खुश रखना अपने आप को एंटरटेन करना अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ की आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए शेयर करिए और अगर चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा